गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यू ऑल आर वॉचिंग प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 9 एंड अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल एंड आई एम कुसुम प्रसाद। स्टूडेंट्स, दिस इज अ लाइव इंटरेक्टिव सेशन फॉर क्लास 9th एंड द सब्जेक्ट इज साइंस एंड अवर टुडेज टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 2 एंड टू टीच दिस सब्जेक्ट अवर एक्सपर्ट इज श्री सुशील कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्र में। नमस्कार सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ द पीएमई विद्या। जी, सुशील सर हैं पीजीटी बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो स्टूडेंट्स, आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा ये सत्र है, आप किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने फीडबैक भेज सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे, वो है 8800440559 पर। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। और एक और जरिया है, एक और माध्यम है हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि है एनसीईआरटी ऑफिशियल। इसके लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और सीधे इस सत्र से जुड़ सकते हैं। तो अब हम देर नहीं करते हैं, रुक करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्री सुशील जी की तरफ रुक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। सर, जी, इसका पहले भाग में जाना है कि नेचर रिसोर्स क्या होते हैं। अर्थात नेचर रिसोर्स वो होते हैं जो हमें और आपको प्रकृति अर्थात नेचर से प्राप्त होते हैं। हम लोग जिस धरती पर रहते हैं उसके चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है और इस धरती पर बहुत सारे रिसोर्सेस हमें फ्री में मिलते हैं, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉयल हुआ और कुछ मिनरल्स हुए, फॉरेस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है इसके पार्ट होते हैं। अधिकतर नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अर्थात एक बार खत्म होने के बाद फिर हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हमने आपको बच्चों बताया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड, नेचुरल गैस, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी मुख्य रूप से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। हम जिस धरती पर रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं और उसके हम कह सकते हैं आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, और उस पर जो वाटर कवर पाया जाता है उसे हाइड्रोस्फीयर, और जब द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द लिथोस्फीयर इज नोन एज एटमोस्फीयर, एंड वी कैन से दैट द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर तीनों मिलते हैं उसे हम बायोस्फियर कहते हैं। ये हम लोगों ने बच्चों बात की थी। और इस बायोस्फियर में कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट होते। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे मैं, प्लांट और सारे एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ और अदर प्रोटिस्ट। नॉन लिविंग में वाटर, लाइट, मिनरल, सॉइल, एयर, ये होते हैं। हम लोगों ने बात की थी प्यारे बच्चों कि हमारे चारों तरफ एयर एक मिक्सचर के रूप में पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और सारी गैस पाई जाती है। और रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दो एक्टिविटी होती है जिनके द्वारा हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस स्थापित करते हैं। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन, रिस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं प्लांट और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक बैलेंस बना रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। और वाटर बॉडी धीरे धीरे एवेपोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड जब कंडेंस होते हैं तो हमें जबरदस्त बारिश देखने को मिलती है और हम और आप लोग बारिश का आनंद लेते हैं। हम लोगों ने बच्चों साथ में एयर के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि आजकल आज के दौरान में एयर में कुछ ऐसे हार्मफुल सबस्टेंस जो कुछ प्राकृतिक घटनाओं के और अधिकतर मैनमेड घटनाओं के द्वारा, जैसे हम फॉसिल फ्यूल को जलाएं, पेट्रोलियम को हम गैस में अपनी गाड़ियों में जलाएं, तो इसकी वजह से हमारे सॉरी
हमारी आसपास के पर्यावरण में बहुत सारी गैस जमा हो जाती है जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करती है, और इसकी वजह से हमें और आपको तमाम परेशानियां देखने को मिलती है। आजकल हम लोग AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा ये पता कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग ऐप है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा हमें और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताए गए हैं। उनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारे शहर की वायु गुणवत्ता अर्थात एयर क्वालिटी कैसी है, और उसके आधार पर हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। आज हम कुसुम जी बात करेंगे दूसरे एक और अच्छे एक बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स की, जिसे हम कहते हैं वाटर। जी कुसुम जी, आपने और हमने देखा होगा कि जब हम और आप लोग किसी ग्रह पे जाते हैं, किसी दूसरे एक ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं, तो सबसे पहली चीज तलाशते हैं वो होता है पानी। जी अर्थात वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्स विच डिटरमिन द लाइफ, और ए लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ इज अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हम लोग जानते हैं कि हमारी धरती का लगभग 2/3 भाग पानी के द्वारा कवर रहता है, और उस धरती पर जो इतना सारा पानी होते हुए भी फिर भी हम और आप लोग देखते हैं कि जो पीने वाला पानी है, जो साफ पानी है, वो बहुत कम है, लगभग 1% से भी बहुत कम। सो हम कह सकते हैं कि अधिकतर पानी ओशन में, सी में या लेक्स में पाया जाता है, या कह सकते हैं कि वो खारा होता है, नमकीन होता है, और जो पीने योग्य और पानी है उसकी मात्रा कम होती है। हम और आप लोग देखते हैं कि जहां पानी होता है वहीं पर अधिकतर जीवन की हम लोग संभावना को बताते हैं। और बच्चों मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, आप अपना एक मैप लीजिएगा जिसमें पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन हो कि किस जगह सॉरी भारत में किस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और उसके आधार पर आप बायोडायवर्सिटी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां बहुत बारिश होती, साल के लगभग 5-6 महीने घनघोर बारिश होती, और वहां पर जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। प्यारे बच्चों, हम और आप लोगों ने अपनी गतिविधियों से या फिर कुछ ऐसे जो क्रियाकलाप हुए जिसके आधार पर हमारे आसपास का पानी कहीं ना कहीं से पॉल्यूटेड होने लगा, अर्थात वाटर की क्वालिटी में कुछ परिवर्तन हुआ, और जो मुझे और आपको कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है। अर्थात हम और आप लोगों ने अपने खेतों में एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर उपयोग किए, अनवांटेड इंसेक्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया, जैसे एक पेस्टिसाइड का आप लोग बच्चों नाम जानते होंगे जिसे हम कहते हैं DDT, हम लोगों ने इसका भारत में बहुत उपयोग किया है मच्छर को मारने के लिए 1980-1990 के समय, और आज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के अलग हिस्सों की अपेक्षा भारत के लोगों में DDT की मात्रा बहुत ज्यादा है, 13 से लेके 31 PPM के आसपास। ये DDT एक फिनोमेनन होता है जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, इसके आधार पर हमारी फूड चेन से होते हुए मेरे आपके शरीर में कहीं ना कहीं से पहुंच गया है। तो ये जो वाटर बॉडीज है ये हमारे कई सारे क्रियाकलापों से प्रभावित होती हैं, जैसे एक है हमारे घर का जो निकलता है सीवेज जिसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल, ये हमारे शहर में नदियों में बिना ट्रीट किए हुए अगर डाल दिया जाए तो उसके कारण पानी में प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे लगी होती हैं और उनका गर्म पानी बिना ठंडा किए हुए सीधे नदी में डाल दिया जाए तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, और वाटर में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो कि जो फर्टिलाइजर हो सकते, पेस्टिसाइड हो सकते, कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो सकते, हैवी मेटल्स हो सकते, और अलग अलग इंडस्ट्री से निकाले हुए इफ्लुएंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा पॉल्यूटेड मटेरियल जिसमें बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिक हो, सीवेज हो, और वो अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसके कारण पानी की क्वालिटी
प्रभावित होती है, पानी में प्रदूषण होता है। और हम और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दूषित जल का सेवन करते हैं, तो कुसुम जी हम और आप लोग अक्सर, आप दिल्ली में रहती हैं, वहां पर यमुना नदी के बारे में जो WHO की रिपोर्ट बार बार आती है कि बहुत बुरी तरह से ये पॉल्यूट हो चुकी है, और उसके आसपास के लोग जो यमुना नदी का पानी कहीं ना कहीं से प्रयोग कर रहे हैं, उनको लगातार बीमारियों का खतरा रहता है, विशेषकर वाटरबॉर्न डिजीज, जिनमें कि कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां और डिसेंट्री, ये सब बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं। हम और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हेपेटाइटिस का एक रूप जॉन्डिस के रूप में हम और आप लोग देखते हैं, और टाइफाइड, तो ये चीजों को हमें और आपको बच्चों समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति के दिए हुए जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको हमें अच्छे ढंग से उपयोग करना है। हमें नीड और ग्रीड में अंतर स्थापित करना है। एक होती है हमारी जरूरत और एक होता है हमारा लालच। बच्चों आपको याद होगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस नेचर के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी कुछ है, लेकिन हमारी आपके लालच को ये धरती पूरा नहीं कर सकती। यही कारण है कि हम आजकल मिट्टी में, पानी में, हवा में और हर तरफ पर्यावरणीय प्रदूषण देख रहे हैं। कुल मिला के अगर हम वाटर जैसे प्रेशियस रिसोर्स को पॉल्यूट होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। बच्चों आप और मैं जो खाना प्राप्त करते हैं, जो मेरे आपकी थाली में घर तक आता है, वो सब खाना अनाज, सब्जियों और दालों के रूप में हमारे खेतों में उगाया जाता है। आपने जाना होगा कि खेतों में मिट्टी होती है और मिट्टी में इन फसलों को उगाया जाता है। ये जो मिट्टी है, ये सॉइल है, ये सॉइल हजारों लाखों सालों की नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनती है। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल धीरे धीरे तमाम प्रकार के परिवर्तन के द्वारा बनती है। जैसे कि सूरज से जब हीट आती है तो वो रॉक पे गिरती है और रॉक्स में एक्सपेंशन होता है, और जब रात होती है तो वही एक्सपेंडेड रॉक फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से रॉक में दरार आ जाती है, और इसी दरार में जब बारिश होती है तो वहां पर पानी भर जाता है, और जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो पानी फ्रीज हो जाता है। इसकी वजह से वो दरार वाइड होती जाती है और फाइनली रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है, और वो स्मॉलर स्मॉलर पीसेस कई सौ साल बाद धीरे 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 सॉइल बनाती है। हवा का भी बहुत बड़ा योगदान है सॉइल के बनाने में। जब बहुत तेज हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तो ये रॉक को भी छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देती है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, जो रॉक के बीच में जो दरार होती है उसमें उनके बीज अगर चले जाए तो जब उन्हें पानी मिलता है तो वो ग्रो होते हैं, और इसके कारण धीरे धीरे एक्सपेंड होते हैं और रॉक को क्रैक करते हैं, और इसके आधार पर रॉक को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। इस प्रकार से मिट्टी बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक प्लांट के बारे में, या एक हम कह सकते हैं दो प्रकार के प्लांट मिलके एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, प्लांट, लिविंग प्लांट बनाते हैं, उन्हें हम लाइकेन्स कहते हैं। क्या आपने सुना है? जरूर सुना होगा। लाइकेन एल्गी और फंजाई के दोनों के मिलने से बनते हैं, और ये सहजीवता का एक बेहतरीन उदाहरण है। सहजीवता अर्थात सिम्बायोसिस, दोनों मिलजुल के अपने काम करते हैं, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस प्रकार से एक नए प्रकार के प्लांट ग्रुप लाइकेन का रूप देते हैं। लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। एक तो ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी शहर की हवा में पॉल्यूशन होगा तो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं होंगे। और दूसरा, लाइकेन एक प्रकार से सॉइल बनाने में बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है। कुछ प्रकार के लाइकेन ऐसे होते हैं जो चट्टानों पर ग्रो होते हैं, और ग्रो होने के बाद वो अपने अंदर से कुछ विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंस निकालते हैं, और जिसकी वजह से जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे
छोटे छोटे पाउडरी सबस्टेंस में टूट जाती है, थोड़ी मात्रा में थिन लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है। उसके ऊपर फिर दूसरे प्रकार के प्लांट ग्रोथ जिन्हें हम मॉस कहते हैं, जो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं, वो ग्रो होते हैं और वो फिर ग्रो होने के बाद उनकी लाइफ साइकिल बराबर कंप्लीट होती है और ये कई सौ साल तक धीरे धीरे बड़ी बड़ी चट्टानों पर चलता रहता है और धीरे धीरे फिर इसके बाद बिग ट्री उस पर ग्रो होते हैं और इस प्रकार से जहाँ चट्टान थी वहाँ धीरे धीरे मिट्टी डेवलप हो जाती और धीरे धीरे इकोलॉजिकल सक्सेशन एक फिनोमेनन होता है, उसके द्वारा अच्छा खासा एक फॉरेस्ट भी वहाँ डेवलप हो जाता है। तो ये मिट्टी बनाने में आपने देखा ना लाइकेन का बहुत बड़ा योगदान है, पानी का बहुत बड़ा योगदान है और एयर का बहुत बड़ा योगदान है और ये जो मिट्टी बनती है इस पूरी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि मिट्टी में लाखों प्रकार के छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। आपने एक इनवर्टिब्रेट का नाम भी सुना होगा जो मिट्टी में रहता है, हमारे किसानों का दोस्त होता है, उसे अर्थवॉर्म कहते हैं। तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपोजिशन क्या होता है मिट्टी का। सॉयल इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, बहुत सारे डिकेड ऑर्गेनिज्म जो सॉयल की सरफेस पर डले रहते हैं और धीरे धीरे डिकम्पोज होके एक हाईली फर्टाइल लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। हम कह सकते हैं कि ह्यूमस एक बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है जो कि एक प्रकार से जो ऊपर की सरफेस पर जो पत्तियां हुई, पेड़ों की टहनियां हुई, छोटे छोटे जीव जंतु जो मरने के बाद डिकेड होके सर्कुलर मैनर में उसी जमीन पर मिल जाते हैं और इस प्रकार से एक बहुत ही फर्टाइल लेयर बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में राइट हैंड साइड पर। और जहाँ पर खूब ह्यूमस होती है वहाँ पर खूब सारी बायोडायवर्सिटी सस्टेन भी करती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे ग्रो होते हैं और जब पेड़ पौधे वहाँ ग्रो होंगे तो बहुत सारे जीव जंतुओं को भी वहाँ रहने के लिए जगह मिलती है। और ह्यूमस बनने की प्रोसेस को बच्चों ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों आज के दौर में आपने सुना होगा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि हमारी जो मिट्टी है जो जिसपे हम फसलें उगाते हैं, जिसमें अपनी जरूरतों के लिए सब्जियां दालें अनाज उगाते हैं, एक तो मिट्टी एक तरफ पॉल्यूट हो रही है ड्यू टू द अनडिजायरेबल हार्मफुल सबस्टेंस और दूसरा जैसे जैसे हम आपकी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से हमारे शहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सीमेंट के जंगल तब्दील होते जा रहे हैं, हमारे खेत और जहाँ पर हम खेती करते थे वो खेती वाली भूमि भी कम होती जा रही। तो इस अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सॉयल पॉल्यूशन कैसे होता है और उसमें हमारी आपकी क्या भूमिका है। जब सॉयल में पॉल्यूशन होगा तो सॉयल के कारण उसमें रहने वाले बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, विशेषकर बैक्टीरिया है जो सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो मर जाते हैं। एक मुट्ठी सॉयल अगर आप ले तो उसमें लाखों की संख्या में माइक्रोब्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं जो सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉयल पॉल्यूशन जो होता है जब किसान ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हमारी मिट्टी को बंजर बना देती, हमारी मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं उनको खत्म कर देती, उनकी जो अर्थवॉर्म जो किसान का मित्र है, नेचुरल प्लाउमैन है, लगातार मिट्टी को पूरस करता रहता है, उसको भी मार डालती है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि अगर सॉइल के ऊपर से जो फर्टाइल लेयर होती है वो किन्हीं कारणों से मैकेनिकल वे से हट जाए तो भी इसे भी सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं और इसको एक टर्म और दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सॉइल को बचाने के लिए सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है और उसमें हमारे स्कूली बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है। याद है ना इस बार NCERT CBSE ने आप सबका आह्वान किया था कि आप मिट्टी को बचाने के लिए क्या अच्छे काम कर सकते हैं, वो हमारे बच्चे आगे आए और करें और आपने बहुत सारे अच्छे काम सजेस्ट किए थे, पेंटिंग के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, ऐसे राइटिंग के माध्यम से। सॉइल इरोजन एक घटना है जिसमें कि
जब तेजी के साथ बारिश का बहता हुआ पानी आता है, या फिर आपने देखा होगा बहुत तेज हवा आती है, तो सॉइल के ऊपर की जो फर्टाइल लेयर होती है वो सॉइल के ऊपर से हट जाती है, और इस प्रकार से इस घटना को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और अगर हम सॉइल इरोजन को रोकना चाहते हैं तो हमें खूब जंगल लगाने चाहिए, खूब वेजिटेटिव कवर बढ़ाना चाहिए, अर्थात हमको फॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमको टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, और हमको आसपास पानी को भी बचाना चाहिए। ये सब जब हम गतिविधियां करेंगे, क्योंकि जब तेजी के साथ पानी मिट्टी के ऊपर से बहता है तो वो हमारी मिट्टी में से जो ऊपर की फर्टाइल लेयर है उसको खत्म कर देता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं, आप ऐसी एक एक्टिविटी कर सकते हैं, दो ट्रे ले सकते हैं सेम साइज की, उसमें सॉइल को आप रख सकते हैं, और इसके बाद आप उसमें उन ट्रे में आप मस्टर्ड या ग्रीन ग्राम को आप एक एक ट्रे में ग्रो करिए, और दोनों ट्रे को आप कुछ दिनों के लिए पानी दीजिए, प्लांट ग्रोथ देखिए, और इसके बाद दोनों ट्रे को टिल्ट कर दीजिए सेम एंगल पर, और उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जेंटली डालिए दोनों ट्रे पर। सो मोर सॉइल इज कैरीड आउट ऑफ द ट्रे व्हिच डिड नॉट हैव प्लांट ग्रोथ। तो आप एक ट्रे में जिसमें कोई प्लांट नहीं थे, जब उसमें पानी डालेंगे तो मिट्टी ज्यादा बहेगी, और जिस ट्रे में आपने प्लांट ग्रो किए हैं और तब सेम अमाउंट पानी आप डालेंगे तो उस ट्रे से कम मिट्टी बहेगी, अर्थात सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम मिट्टी के ऊपर, खेतों के ऊपर छोटी छोटी वेजिटेटिव कवर को बढ़ा दें, छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगा दें, तो मिट्टी का जो इरोजन है सॉइल इरोजन वो रुक सकता है। बच्चों, कुछ प्रकार के ऐसे साइकिल हैं जिनकी वजह से धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्स है ये सर्कुलेट होते रहते हैं, हम उसको वो सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। हम अक्सर धरती से, नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धरती पर कोई चीज वेस्ट नहीं जाती बच्चों, हर चीज को सर्कुलर मैनर में वो रिसाइकिल कर लेते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में आजकल कहा जा रहा है कि आप नेचर से सीखिए, नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बायो जियो केमिकल है, साइकिल है, बायो जियो केमिकल साइकिल, जिनमें ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन बायोटेक एंड एबायोटेक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर हम अध्ययन करते हैं। कुछ प्रकार के कॉमन बायो जियो केमिकल साइकिल जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, अब हम एक एक करके आपको साइकिल बताना चाहेंगे। साइकिल शब्द तब यूज होता है जहां से हम शुरुआत करें और अगर हम वहीं पर पहुंच जाएं तो उस घटना को हम साइकिल कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये ग्राउंड वाटर भरा हुआ है, उस पर अगर सनलाइट गिरेगी तो पानी या तो फिर इवेपोरेट होगा, दूसरा क्या हो सकता है कि प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे उनकी पत्तियों से पानी, ट्रांसपायरेशन के द्वारा वातावरण में पहुंचेगा, एनिमल्स रेस्पायर करेंगे तो उनसे भी थोड़ी बहुत मात्रा में वाटर वेपर ऊपर पहुंचेगी, वो सारी कंडेंस होंगी और एक समय के बाद बारिश होगी। तो इस प्रकार से हमारा ग्राउंड वाटर, हमारी रिवर, इनमें वाटर टेबल मेंटेन रहेगा, इसे हम वाटर साइकिल के द्वारा समझ सकते हैं। ऐसे ही बच्चों एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का भी चक्र चलता है। आप सब जानते हो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे प्लांट उस 78% 78.5% नाइट्रोजन जो होती है उसको यूज नहीं कर पाती जब तक कि वो नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, और इसीलिए हम ऐसी फसलों को बोते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे दाल वाली फसलें। तो हमारे नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, उसके कई अलग अलग मेथड है, ग्रीन प्लांट के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्स होता है अर्थात नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि
नाइट्रेट में फिक्स किए हुए जो नाइट्रोजन है और उसको वो पुनः नाइट्रोजन नाइट्रेट को नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये आप इस साइकिल से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो फिक्स होती है, फिर वो प्लांट में पहुंचती है और प्लांट में पहुंचकर उससे अमाइनो एसिड बनते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और उस प्रोटीन को हम और आप लेते हैं, हमारे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, हमारे हेयर प्रोटीन के बने हैं, हमारे दांत में प्रोटीन है, हमारी हड्डियों में प्रोटीन है, हमारे खून में प्रोटीन है, हमारे नाखून में प्रोटीन है, हमारे शरीर में बॉडी फ्रेमवर्क प्रोटीन का बना होता है। तो ये हमें प्रोटीन प्लांट से प्राप्त होती है और ये प्लांट में नाइट्रोजन के जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पहुँच के और इस प्रकार से हमारी आपकी जरूरत पूरी करने में मदद करता है। ऐसे ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का भी चक्र चलता रहता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिनमें कि मेरा आपका सबका शरीर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। ऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोल हो गया, या आपने सुना होगा कि कार्बोनेट्स इन वाटर या लाइम स्टोन जिनमें कार्बन पाया जाता है, पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल, डीजल, इन सबको जब जलाया जाता है तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना कहीं ना कहीं से धरती पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार माना जा रहा है। कहा जा रहा है ना कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सॉरी, ऐसे ही बच्चों ऑक्सीजन बहुत जरूरी है हमें और आपको। लगभग एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन विशेषकर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट पैदा करते हैं और ये ऑक्सीजन हम और आप लोग रिस्पायरेशन के द्वारा और हमारे प्लांट्स जो हमारे चारों तरफ ट्रीज और प्लांट है वो रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से दो गतिविधियां जिनमें फोटोसिंथेसिस, दूसरी रिस्पायरेशन, और इस प्रकार से ऑक्सीजन का चक्र चलता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। बच्चों आपने एक इफेक्ट का नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप आज के दौर में सुन रहे होंगे कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि धरती को बुखार आ रहा है। बच्चों पहले लगभग 100-150 सालों से पहले तक हमारे धरती का तापमान एवरेज तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे जैसे हम आपकी एक्टिविटी हुई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, उससे कुछ गैस है जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इनकी मात्रा धरती में बढ़ी और ये हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती गई। और इस प्रकार से जो रेडिएशन सन से धरती पर आता है और धरती पर टकराने के बाद वापस लौटता है, तो ये जो ग्रीन हाउस कवर ग्रीन हाउस गैसेस का है उसने उस रेडिएशन को जाने से रोका। इसके कारण धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ा, अर्थात हम कह सकते हैं धरती को बुखार आ रहा है। मुझे आपको बुखार आता है तो तमाम परेशानियां होती है ना बच्चों, ऐसी धरती का एवरेज तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा तक बढ़ गया है और धरती गर्म हो रही है, इसीलिए पोलर आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है और हमारे कोस्टल एरिया धीरे धीरे डूब रहे हैं और हम लोग अलग अलग जगह बारिश का अलग अलग विकराल रूप भी देख रहे हैं। सुशील सर जी, जी सर, आज आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से विस्तार से जानकारी दी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। हमें उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें वॉच कर रहे हैं उन्हें सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आ गया होगा उन्हें। तो सर आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू बच्चों, आप लोग ऐसे ही पीएमवी विद्या पढ़ते देखते रहे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। जी, तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल से और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।